हेलो एंड वेलकम टू लर्न नाउ विद साहिल अहमद। एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे शो में, और उम्मीद है कि हर चीज़ आपके साथ ठीक जा रही होगी, आपका करियर, आपकी एजुकेशन प्लान्स, और आप हमारे शो को एंजॉय कर रहे होंगे। आपके कमेंट्स और आपकी फीडबैक हमें मिलती रहती है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो कि बहुत ही हमजहद और बहुत ही मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं। जितना हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं, जानते हैं, उतना ही ज़्यादा नए उनके शख्सियत के पहलू जो है हमारे सामने आते रहते हैं। उनकी पर्सनैलिटी के जो है नई लेयर्स हमारे सामने आती रहती हैं और आप हैरान होते रहते हैं कि वाह क्या बात है। तो आज जो है उनसे हम एक लंबी गपशप करने वाले हैं, उनसे मालूम करने वाले हैं कि किस तरह से उनका सफ़र शुरू हुआ, कैसे वो कनाडा में आके उन्होंने जो है अपना अपने आप को सेट किया, अपने करियर सेट किया और अपनी इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। तो इन सारी गुफ्तगू में आपको कहीं ना कहीं बीच में बहुत अच्छे टेक अवेज मिलते रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो आइए विदाउट फर्दर एडू अपने गेस्ट से मिलते हैं। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके? बस एकदम बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया यहाँ पे सर। आपकी थैंक यू कि आप आए समीर लाल साहब। अच्छा तो सर आपकी जो है मैंने तो स्टोरी सुनी हुई है, बहुत ही मज़े की स्टोरी है आपकी, साथ बातें करते हुए टाइम का पता नहीं चलता है। तो थोड़ा सा अपनी हम शुरू से जाते हैं और बात करते हैं कि ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ और आपका ताल्लुक जो है इंडिया में जबलपुर से है, तो वहाँ से हम शुरू करते हैं सर। चलिए ठीक है। तो जितना याद बचपन जिसको कहते हैं, जहाँ से हम याद कर पाते हैं अपने बचपन को, वो पूरा समय मेरा जबलपुर में ही गुजरा। तो बचपन में चौथी क्लास में शायद हम लोग जबलपुर आ गए थे और वहीं पे फिर उसके बाद की पूरी पढ़ाई हुई। मैंने अपना ग्रेजुएशन वहीं से किया, फिर कुछ समय के लिए बम्बई चला गया अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए। बट जैसे ही मेरा सी ए ख़त्म हुआ तो शहर से इतना ज़्यादा लगाव था कि मैं तुरंत वापस जबलपुर लौटा और फिर मैंने अपने प्रैक्टिस वहीं पर शुरू किया चार्टर्ड अकाउंटेंट, और करीब 12 साल तक मैंने वहाँ पर प्रैक्टिस की। उस ज़माने में उतने ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ नहीं करते थे शहर में, छोटा शहर था। मैं समझता हूँ 18-20 लाख, 22 लाख की पॉपुलेशन थी जी। तो ऐसे छोटे शहर में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाना और पब्लिक के बीच में बैठना, और थोड़ा पॉलिटिकल मेरा इंक्लिनेशन था तो लगभग पूरा शहर जानता था। अच्छा, तो जहाँ से भी आप गुजरे लोग बाग जानते थे आपको, ऐसा कहीं भी महसूस नहीं होता था कि आप अकेले हैं। और हर जो इंडिया की आदत रहती है जैसे कि हर एक को नमस्कार चमत्कार करते हुए चलता है आदमी रास्ते पर, तो वो एक आदत का हिस्सा बन गई थी कि जब भी घर से निकले तो घर से ऑफिस तक जाते जाते 50 लोगों को नमस्ते कर रहे हैं, मिलते हुए जा रहे हैं। और उसी बीच में फिर हमने तय किया कि अब हम चलिए इंडिया में इतना नाम कमा लिया है, सब कर लिया, बच्चे बड़े हो रहे थे तो हमने कहा इन बच्चों को आगे की एजुकेशन के लिए कनाडा ले चलते हैं। तो मुझे लगता है आज भी जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो शेल्टर थी कि मैंने कहा बच्चों के कैरियर के लिए चलते हैं। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी तभी इच्छा थी कि चलो कनाडा चल के देखते हैं क्या आखिर क्या चीज़ें हैं वहाँ जो इतने बारे में सुनते हैं। अब तो खैर ग्लोबल विलेज हो गया है पूरा, तो हर आदमी जानता है क्या है कनाडा में, क्या है अमेरिका में। बट आज से 20 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब एक तिलस्मी दुनिया थी वहाँ के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बस उसी में अपना भाग्य जमाने चले आए कनाडा। ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो मिसिंग था इंडिया में, लेकिन एक फिर भी आप ऐसी चीज़ के लिए हमेशा भागते हो, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, और बेहतरी की तरफ जाते हैं। हाँ, तो ऐसा लगता है कि उस तरफ जाएंगे शायद और ज़्यादा तरक्की हो और ज़्यादा कुछ। उस हिसाब से आ गए यहाँ पे और बस फिर तब से 1999 में हम लोग कनाडा आए। अच्छा, तो कनाडा में जो आपका सफ़र है वो अब तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? शुरू में ज़ाहिर है जब आप आते हैं तो बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं ना जैसे, और जी तो हम जब उतरे 1999 में तो जब वहाँ से जब मैं जबलपुर से चल रहा था तो एक बहुत बड़ी भीड़ छोड़ने आई थी स्टेशन, और फिर वहाँ से दिल्ली आने के बाद दिल्ली में भी उस जबलपुर से कई सारे लोग पहुँचे हुए थे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे। और जब यहाँ उतरे तो मैं सिर्फ एक व्यक्ति को जानता था टोरंटो में, और बस वही एक पहचान थी कि वो एयरपोर्ट पर मिल गए मुझे और अपने घर ले गए, और हम कुछ दिन उनके साथ में रहे, एक शायद मेरे ख्याल में 4-5 दिन। फिर उन्होंने घर वगैरह खोजने में हमारी मदद की, हमने किराए पे घर लिया, फिर हम शिफ्ट हो गए। तो एकाएक इतनी भीड़ से निकल के और आप यहाँ आए जहाँ कोई नहीं पहचानता आपको, और जो एक आदमी पहचानता था उसने भी घर दिलवाने के बाद में फिर एक फॉर्मल रिलेशनशिप रह जाती है, आप फ़ोन पे बात कर लेते हैं, वो अपने आप में व्यस्त हैं। तो एकाएक ऐसा लगा कि ये कहाँ पे आ गए, जो सब कुछ हाँ एकदम अकेले हो गए, जो सब कुछ हरा हरा दिख रहा था उस तरफ से और उसमें हरियाली पूरी तरह से मिसिंग हो गई। एक दिमागी टेंशन भी शुरू हो गई कि अब नौकरी करना है या कुछ व्यापार करना है, जो भी करना है शुरू करना पड़ेगा। तो फिर घूमते घामते कुछ हिंदुस्तानी चेहरे दिखे, कुछ बैंकों में बैठे हुए लोग दिखे,
उनसे पहचान हुई और ऐसे करके, अब चूँकि नेचर उस तरह का था शुरू से कि ज़्यादा दोस्त होना चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ के साथ चलना चाहिए, तो हाँ सोशल काफ़ी मेरा नेचर रहा है, तो एकाएक फिर मैं दायरा बढ़ना शुरू हुआ यहाँ पे भी, उन्हीं लोगों में से लोगों के घरों पे जाना आना शुरू हुआ, उनका हमारे यहाँ आना जाना शुरू हुआ, तो एक टाइज बनती गई और एक बड़ा सा परिवार निर्माण हो गया यहाँ पे भी कनाडा में। फिर धीरे धीरे वो मिसिंग हो गया कि यहाँ परिवार नहीं है, एक बहुत अच्छे दोस्तों का दायरा बना, बहुत जो आज भी, मतलब आज 20 साल से हम लोग एक परिवार की तरह रह रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी फैमिलीज हैं जो हर महीने मिलना जुलना रहता है। तो उसी में से किसी ने सजेस्ट किया उस वक्त कि अब आ गए हो यहाँ पे, तो CA यहाँ पे उस समय हमारा रिकग्नाइज नहीं होता था इंडिया का, तो फिर से तुम्हें कुछ ना कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा जब नया शुरू करना है, करियर जीरो से शुरू करना है, तो फिर नई फील्ड ट्राई की जाए, इसमें तो कर ही चुके हैं अकाउंटिंग में काफ़ी कुछ, तो फिर मैंने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा और उसके कोर्सेज किए कैसे ट्रेडर बनते हैं। तो ये आपने पहले इंडिया में कभी नहीं किया था? नहीं, ये कभी नहीं किया था, हालांकि स्टॉक एक्सचेंज का नॉलेज वहाँ पे भी था, शेयर बाज़ार वगैरह में तो काम करते ही थे हम लोग, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ का सिस्टम दूसरा था, तो यहाँ का मार्केट जानने के लिए बेस्ट तरीका था कि मैं इनके कोर्सेज कर लूँ फाइनेंशियल मार्केट के, तो वो किया। फिर मैं यहाँ की एक बड़ी बैंक है उसके डिस्काउंट ब्रोकरेज में ट्रेडर हो गया, और वहाँ से फिर नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ, जो इंडिया में नौकरी देते आते थे अब यहाँ पे नौकरी करने लग गए, तो बस सवेरे ऑफिस जाना है, शाम को लौटना है, वो एक नॉर्मल सा सिलसिला जैसा होता है हर एक नौकरी पेशा व्यक्ति का 9 to 5 वाला, तो उसमें बहुत मन नहीं लगता था कि तो सिर्फ एक ही जैसा काम रोज़ रोज़ करना एक नया चैलेंज था, तो शुरू में तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन फिर डेली वही चीज़ें करना, तो दिमाग वही खोजता रहता था क्या नया करूँ मैं एक एक। अच्छा, आपकी बात में यहाँ पर एक थोड़ी सी रोकूंगा और आपसे, क्योंकि ठीक है डेफिनेटली चैलेंजिंग होता है, आपको जो फर्स्ट जॉब आपकी मिली है, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस हैं वो ये डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि उसमें किस तरह से मिली आपने। एक तो मुझे समझ में आ गया कि आपने आके सबसे पहले जो काम किया वो अपना नेटवर्क डेवलप किया, आपने लोगों से मिले, है ना, सोशल सर्कल बनाया, नेटवर्क बनाया, तो आपको जॉब में भी कि आपकी नेटवर्किंग ने काम किया? बिल्कुल, क्योंकि जब आप नए नए आते हैं तो आप जो ये अखबारों में या आजकल वेबसाइट वगैरह के थ्रू देखते हैं जॉब्स और उसमें अप्लाई करते हैं, तो एक नेटवर्किंग बड़ा भारी रोल प्ले करता है जो लोग समझ नहीं पाते। निश्चित तौर पे ये वो सिफारिश नहीं है जो हम लोग हिंदुस्तान में करते हैं, ये यहाँ पे वो एक राइट कैंडिडेट को राइट पर्सन से मिलाना जिसको कि उसकी ज़रूरत है, है ना, वो कनेक्शन अगर आप मशीनों के थ्रू जाएंगे जो कि आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो शायद वेबसाइट में वो पर्सनल टच ना आ पाए, तो शायद नहीं मिला पाएगा आपको, कोई दो स्किल मिसिंग भी होंगी, दो स्किल सीखी जा सकती हैं, लेकिन जो 8 मैचिंग है उन मैचिंग को छोड़ के वो 2 स्किल खोजता रहेगा जो आपके पास मिसिंग है, तो जब पर्सनली कोई नेटवर्क करता है तो वो चीज़ें दूसरी और बड़ी बात ही होती है। बिल्कुल आप सीख कह रहे हैं कि जो कंपनीज हैं यहाँ पर वो इनका बड़ा इंटरेस्ट इस बात में होता है कि आपके पास रेफरल मौजूद हो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्चुअली अपने एम्प्लॉयज को रेफरल करने पे पे करती हैं, है ना, पे करती हैं, तो उसकी वजह ये भी मतलब होती है कि वो आपको ये इंश्योर हो जाता है कि इनकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं या जो कंपनी का जो कल्चर है उससे उनका मैच अच्छा हो सकता है। हाँ, एक तो वो हो जाता है, दूसरा जो कंपनी को एक लंबी प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है किसी को सेलेक्ट करने के लिए और किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो एक आइडेंटिफाइड कैंडिडेट पहले वो भी पैसा और टाइम दोनों लगता है, वो बच जाता है उसका HR का। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप कनाडा आते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में जब तक हम थे तो एक बार आप CA हो गए तो यार CA फॉर एवर लाइफ में, आपको फिर आप कुछ आगे कोर्स करने की जरूरत नहीं है, या इंजीनियर बन गए तो एक बार इंजीनियर बन गए हमेशा के लिए इंजीनियर हो गए। आपको यहाँ आने पे वो जामा उतारना पड़ता है और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और नए कोर्सेज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नई आप नई लैंड में जा रहे हैं उसके बारे में जानना तो जरूरी है, बिल्कुल ओपन माइंड, बिल्कुल ओपन माइंड से जाइए और अपना अहम भार रखिए। अगर जीरो से शुरू करना है तो जीरो से शुरू करिए, वो जीरो से शुरू करना ऐसा नहीं होता कि फिर से 20 साल फिर लगेंगे आपको ग्रो करने में, नहीं, वो ऐसा ही जैसे दौड़ने के पहले आप 2 कदम पीछे हटके फिर और तेजी से दौड़ क्राउच करके, एग्जैक्टली, तो वो 2 कदम पीछे वाली बात है, सिर्फ उतने से के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि आप एक देश छोड़ के दूसरे देश में आ गए, आपने खुद सोचते समझते हुए ये डिसीजन लिया, कोई प्रेशर नहीं डाल रहा था, जबरदस्ती किसी ने, बिल्कुल, तो उसकी रिस्पेक्ट करें, अपनी सोच की रिस्पेक्ट करें, कुछ समय दें फिर से सेटल होने के। इंडिया में भी आप पहले दिन नहीं इंजीनियर बन गए थे, 22 साल पढ़ने के बाद आप इंजीनियर बन गए, 22 साल पढ़ा फिर आपने एक्सपीरियंस भी किया उसके बाद जाके आप, बिल्कुल, तो जब उतना सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं तो इधर यहाँ भी कुछ समय दें, पेशेंस रखें, और कनाडा और अमेरिका ऐसी लैंड है जो कि सबको एक्सेप्ट करती है, सबको करती है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। आपका जो करियर था वो फिर किस डायरेक्शन में गया, आपने ट्रेनिंग किया उसके बाद? जी, मैंने पहले आके यहाँ पे कोर्स किया और निश्चित तौर पर लोग जब वो कोर्स करते हैं तो उसका ड्यूरेशन है 2 साल का, लेकिन अब इंडिया से CA वगैरह किया हुआ था तो नॉलेज बेस उसका था ही, और कोर्स उतना मुझे कठिन भी लगा, तो मेरा 2 महीने में हो गया वो कोर्स पूरा,
तो जैसे ही वो कोर्स पूरा हुआ तो उसके बाद किसी मित्र ने बताया कि बैंक में पोजीशन निकली हुई है, हमने अप्लाई किया, दूसरे दिन वहाँ पे जॉब लग गई। हीटेड मार्केट था उस समय, स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा वेट चलती थी लोगों की कॉल्स की, तो मैं देखता था कि हमारे जो साथी हैं जो ऑर्डर्स ले रहे हैं ट्रेडिंग के स्टॉक एक्सचेंज के, वो जब कमीशन कैलकुलेट करते थे उसको मैनुअली किया करते थे। तो और बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते थे, तो क्लाइंट एक तो वैसे ही 2 घंटे फ़ोन पे वेट करके तब तक आपके पास पहुंच रहा है, मार्केट इतनी फास्ट मूविंग है कि जब तक ऑर्डर देता है रेट बदल जाते हैं, उसमें आप कमीशन पे उसको और टाइम लगाएं तो क्लाइंट बड़ा डिससेटिस्फाइड रहता था, नाराज़ होता था। ठीक बात। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ टेक्नोलॉजी पे इसमें करूं, तो मैंने फिर उस ज़माने में अपने मन से किताब खरीद के VB6 सीखी। अच्छा। हाँ, और सीखने के अकाउंटिंग का बैकग्राउंड था तो इसमें तो कुछ खास था नहीं टेक्नोलॉजी का। हाँ, तो लेकिन मैंने सीखा उसको, विद इन 2 मंथ्स के अंदर मैं कैलकुलेटर बना के मैंने तैयार किया, जो कि डेस्कटॉप कैलकुलेटर था। मतलब आपने उसको प्रोग्राम किया? पूरा प्रोग्रामिंग लिख के अपने आप से कैलकुलेटर बनाया। अच्छा। और उसके बिजनेस रूल्स तो मुझे मालूम ही थे, मैं खुद ट्रेडर था तो कैसे होना, और जब वो कैलकुलेटर बना लिया तो फिर मैंने अपने बैंक को दिखाया कि साहब ये कैलकुलेटर बनाया जो माइक्रोसॉफ्ट कैलकुलेटर की तरह दिखता है बिल्कुल, और आप ऑर्डर लेते समय जब ऑर्डर भरेंगे उसी वक्त इसमें भी फिगर भर जाएंगे और ये अपने आप कमीशन कैलकुलेट करके आपको दे देगा। बैंक को पसंद आया, बैंक ने कहा ठीक है हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो पूरे बैंक में ऑल ओवर कनाडा उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। आपको इसको मेंटेन करने वाला चाहिए था तो उन्होंने कहा कि आप अब ट्रेडिंग बंद कर दें, आप इस तरफ आ जाएं टेक्नोलॉजी की साइड और आप इसको मेंटेन करिए, और इसी ढंग के और भी कौन कौन सी प्रोसेस हम हाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 1 सिंगल मैन टीम बनी हमारी, जिसमें मैं ही सोचा करता था, मैं ही उसको फिर सोचता था कि इसमें क्या प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा। फिर प्रोग्रामिंग भी मैं खुद ही करता था और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके देता था। धीरे धीरे फिर वो टीम भी ग्रो की, बड़ी हुई और हमने काफ़ी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट पर काम किया, और 10 साल तक मैंने उस बैंक में काम किया। 10 साल आपने काम? जी जी। फिर उसके बाद फिर वो बैंक छोड़ी मैंने, और फिर थोड़ा सा और अपने आप को टर्न दिया, फिर मैं बिजनेस एनालिसिस की तरफ चला गया, टेक्नोलॉजी में ही रहा, फिर QA की तरफ भी कुछ समय तक काम किया, फिर धीरे धीरे उसी में ग्रो करके आजकल मैं फिर से बिजनेस साइड में एक बड़ी बैंक के लिए काम कर रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट में। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आप अपने अंदर हौसला रखते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं, तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं और धीरे धीरे नेटवर्क के थ्रू आप ग्रो भी करते जाते हैं। फिर उतना समय नहीं लगता है ग्रो करने में जितना कि आप सोच रहे थे कि फिर से अच्छी पोजीशन पाने में क्या समय लगेगा। नहीं, और दूसरी कि देखिए नेटवर्क की आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप नए होते हैं जी, है ना। अब जब आपको एक फुट इन द डोर हो गया, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो फिर आप जिस तरह आपने कहा कि आपने वो सारी चीज़ें अपनी साइड एक्सप्लोर की जो कि आप कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकती थी। बिल्कुल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रोग्रामिंग से और किसी किस्म की प्रोग्रामिंग से लोग बहुत डरते हैं ऑलरेडी। और दूसरा ये भी है कि अक्सर करके मैंने देखा जब लोग नौकरी करते हैं तो वो नौकरी सोच के करते हैं एक कि बस 9 से 5 जाना है और सैलरी आ जानी है, तो जो काम दिया गया वो कर लूँ, तो उसके बाहर का दायरा अगर आप नहीं रखेंगे तो आप फिर वो 9 से 5 की नौकरी करते रह जाएंगे, कभी भी उसको ग्रो आउट नहीं कर सकते। तो कोई भी आके आपसे नहीं कहेगा आ जाओ भाई अब तुम 2 साल कर चुके हो तुमको प्रमोशन दे देते हैं। हाँ। वो आपको कोई रीजन होना चाहिए। हाँ, आपको ही खोजना पड़ेगा प्रमोशन का रास्ता। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए आप एम कर रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी का CEO बनने के लिए एम कर रहे हैं तो भले ही आप वहाँ पे क्लर्क लगें, आपका एटीट्यूड CEO वाला होना चाहिए। सर, अगर आप अपना एटीट्यूड वो रखेंगे कि अरे मैं तो क्लर्क हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, आप कभी भी CEO नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यही कुछ टिप्स हैं कि पढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहो, हमेशा एक नई लर्निंग के लिए तैयार रहो, जो भी रास्ते में कोई भी असंभव नहीं है, कोई ना कोई सीखता ही है, तो आप भी सीख सकते हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और समीर लाल जी से बातें हमारी चल रही हैं, गुफ्तगु चल रही है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि भाई आप अगर जॉब पे जाते हैं, आप यू गेट लकी, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो उसके बाद ये ना सोचें कि आपने सिर्फ 9 to 5 काम करना है और अपने चेक का वेट करना है। तो बेहतर चीज़ ये है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए। आप देखिए कि आपकी विद इन एरिया में, आपकी आपके डिपार्टमेंट में, या आपकी जो एरिया ऑफ वर्क है वहाँ पर किस तरह से आप एड वैल्यू कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो उस इम्प्रूवमेंट को लाने के लिए, उस वैल्यू को ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि एक्सप्लोर करें कि आप किस तरह से मज़ीद कुछ नई चीज़ें सीख के और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, और किस तरह से आप जो है ग्रो कर सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। आप हम जो है अब लेंगे एक जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक, और उसके साथ साथ जो है फिर वापस आते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम इसी तरह और इनकी शख्सियत के पहलुओं को जानते हैं। समीर लाल जी हमारे साथ रहेंगे, आप आइए ब्रेक से, टेक अ ब्रेक। Islamic Circle of North America, Canada presents Carry the Light Annual Convention 2018,
on October 6th and 7th at the International Center, Mississauga. The event is aimed to inspire Muslims to implement the true spirit of Islam in their lives. This year's speakers are going to talk about Canadian Muslims sharing Islam and serving humanity. Don't miss this opportunity to meet with world-renowned speakers at one place. For sponsorship, Grand Bazaar, and tickets, please visit carrythelight.ca. Are we ready? Okay. Hello, ladies. This is I'm Sara. And today I'm going to teach you how to make traditional Bombay biryani. For that, we need tomatoes, onion, ginger, garlic, coriander powder, salt, meat. When you have Habib Chatpat, then cooking is done. Fatafat. Isme hai sare ingredients. Tabhi to bane mazedar MSG free khana without any janjal. Huh? Paka gaya? So quick? But how? Only Habib Chatpat. No janjal. Cooking fatafat. Trendy cool hai ke gane Gold House. Gold jewelry ka hai best place Gold House. Purity, quality, bharose ka ye naam Gold House Jewelers. Now open biggest store of 22 and 24 karat gold jewelry in Malton. Gold House Jewelers. New collection just arrived from Dubai, Pakistan and India. Call Shahid or Junaid. 905-672-0786. Purity is guaranteed. Gold House Jewelers. This is the world of internet. You have everything on your computer and mobile screen. If you wish to promote your business through internet, specially to perfect target market, then you have just one reliable name, NJ Marketing. Offering various marketing solutions like social media marketing, telemarketing, email marketing, search engine optimization, graphic designing, web designing and development, and mobile application development. So call now at 647-824-1485 or email at njmarketing15@gmail.com or log on to njmarketing.ca. Are you sure about it? Let's do it then. The Family Law Lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. वेलकम बैक. एक बार फिर हम आपसे गपशप कर रहे हैं. हमारे साथ मौजूद हैं समीर लाल और वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी को लिखा, कितनी मेहनत की और किस तरह से उन्होंने डिफरेंट किस्म के जो है कामों में ख़ुद को इन्वॉल्व किया और किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचें. तो इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं. जी सर, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है आप अपनी जो अपॉर्चुनिटी एक जॉब मिलती है आपको, उसको कैसे से आप डेवलप करके आप आगे तरक्की कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं. तो उसके साथ साथ हमने जो शुरू में कहा था कि आप बड़े मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है. एवरी टाइम लाइक आई आस्क यू अ क्वेश्चन और मुझे एक नया आपका साइड, एक नया रुख देखने को मिलता है. तो हम अपने ऑडियंस से आपकी और पर्सनैलिटी के जो रंग हैं वो हम उनसे उनको दिखाते हैं. तो हम अभी बात कर रहे थे करियर के हवाले से, है ना. आपने कहा कि आपने ट्रेनिंग्स भी की. आप जो ट्रेनिंग्स थी वो उस पर भी हम बात करेंगे कि वो किस किस्म की आपने ट्रेनिंग्स किए हैं अपने करियर को डेवलप करने के लिए. तो बेसिकली जैसे जैसे मैं काम करता गया, ग्रो करता गया अपने ऑर्गेनाइजेशन में या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो जब मैं अपने आसपास देखता था जो सक्सेसफुल लोग दिखते थे, तो एक आदत के अनुसार मैं उनसे पूछा करता था कि तुमने किया क्या है, तुम कैसे यहाँ पे पहुँचे. तो कोई बताता था कि PMP किया है, किसी ने अकाउंटिंग का कुछ कोर्स किया है, किसी ने रिस्क मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया. तो फिर मुझे लगता था कि मुझे भी वो करना चाहिए अगर मुझको इस तक पहुँचना है. तो फिर उस ढंग से मैंने काफ़ी सारे कोर्स किए और मैं आज भी लगातार कोर्सेज करता रहता हूँ. कई बार वो कोर्स इस्तेमाल नहीं भी होते हैं. जैसे मैंने जब CMA किया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैं अकाउंटिंग में अब नहीं हूँ तो अकाउंटिंग का इस्तेमाल नहीं होता है. लेकिन निश्चित तौर पे मेरे जब मैं कैरियर में किसी और फील्ड में भी काम कर रहा होता हूँ तो वहाँ ये नॉलेज बड़ा काम आता है. जब आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है या इकोनॉमिक्स का नॉलेज, कभी जाया नहीं, कभी जाया. तो कोर्सेज हमेशा करते रहना चाहिए. आपको यंग बनाए रखने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप कोर्सेज हमेशा करते रहें और
दिमाग से कभी ये मत सोचें कि अब बस दो साल बचे रिटायर हो जाऊंगा। मैंने लोगों को एक दिन में बूढ़ा होते हुए देखा है। जो 60 साल में एक दबदबेदार ऑफिसर होता था, वो जब 60वें साल में जिस दिन रिटायर होता है उसके अगले दिन वो एकदम बूढ़ा नजर आता है, क्योंकि वो अब हाँ माइंड से छोड़ देते हैं चीज़ें। तो माइंड से हमेशा यंग बने रहिए, सीखते रहिए, रोज नया कोर्स करिए, जब जब मौका लगे किसी से पूछ के सीखने का वो सीखिए, और सीखने में शर्म नहीं होनी चाहिए, और जब तक आप पूछेंगे नहीं, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, यू वोंट लर्न, है ना। अच्छा, आपकी शख्सियत का जो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि आप जो है आप पोइट्री भी करते हैं, प्रोज भी करते हैं, एंड यू आर अ वेरी सक्सेसफुल ऑलमोस्ट अ स्टार जो है, आप ब्लॉगर हैं, और उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। तो जब हम लोग कनाडा आए तो एक ऐसा मुझे लगा कि सारी मन में सोच रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, एक रास्ता तो हो सकता है कि सुनने वाला ना भी हो, मैं लिख तो सकता ही हूँ जो भी मेरे मन दिल में बात आ रही। तो मैंने लिखना शुरू किया, कविताएं लिखना शुरू की, ब्लॉग लिखना शुरू किया, अपना आर्टिकल्स लिखना शुरू किए, सटायर्स लिखना शुरू किए, और समाओ में जब मैंने लिखना शुरू किया तो हम ब्लॉग के माध्यम से लिखा करते थे, तो वो एक अभियान सा बन गया। मैं जब लिखना शुरू किया तो हिंदी में 100-150 लोग लिखा करते थे ब्लॉग पे, तो हमने उसको एक अभियान ले लिया कि नहीं, हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, लिखो हिंदी में, तो एक पर्पज़ हो गया लिखने का भी, तो एक प्लेटफॉर्म बना, तो हम लोग काफ़ी सारे लोग मिलके उस पर काम करते थे। तो उसमें काफ़ी हमने टूर भी किए, जगह जगह लोगों को जाके समझाया कि कैसे कैसे सेमिनार्स किए, और देखते देखते विद इन 2 ईयर्स वो 10,000 का प्लेटफॉर्म हो गया, और फिर जब 3-4 साल बाद हमने फिर पता किया तो 50-60 हज़ार लोग आ चुके थे इस फील्ड में। तो बड़ी तेज़ी से ग्रो किया कि मल्टीपल इफेक्ट होता है, फिर अब तो खैर उसकी संख्याओं की असीमित संख्याएँ हो गई वहाँ पर, अब कोई गिनता भी नहीं, मतलब जब अच्छी पॉपुलेशन है तो गिनना बंद कर देते हैं लोग। तो उसने मुझे क्या किया कि फिर से ऐसा लगा मैं देश से जुड़ गया हूँ वापस अपने, वो सारे लोग मुझे मिल गए। तो 2007 में हमने ये काम किया था, 2006-07 में, तो 2007 में मेरे ब्लॉग को विश्व का नंबर 1 का ब्लॉग माना गया हिंदी में, और इंडी ब्लॉगर्स एक अवार्ड होता था, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, हाँ नंबर 1 जी, इंडी ब्लॉगर्स का अवार्ड मुझे मिला, एक तरकश कलम सम्मान होता था वो मिला इंडिया से, तो उससे और प्रोत्साहन मिला मुझे लिखने का, और फिर मैं अखबारों में भी लिखने लगा। अब तो मैं 1-2 अखबारों में रेगुलर कॉलम लिखता हूँ, हर वीक में लिखता हूँ, हर संडे को वहाँ पे छपता है वो। तो लिखने ने बहुत मुझे पहचान दी, और लोग कई सारे जानने लग गए, मैं उड़न तस्त्री के नाम से लिखता हूँ, तो अब कई जगह तो समीर लाल नाम भी नहीं जानते लोग, तस्त्री तस्त्री के नाम से ही लोग जानते हैं। तो एक उस शौक ने मुझे क्या कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाने का एक बहुत अच्छा मौका दिया। तो मैं ऑफिस में जब रहता हूँ तो मेरे पास एक रीज़न होता है, घर जाके भी मुझे ये लिखना है, ये पढ़ना है, और पढ़ने और लिखने का बड़ा क्लोज ताल्लुकात होते हैं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं अच्छा लिख नहीं सकते, तो पढ़ने के लिए भी आपको बहुत समय निकालना पड़ता है। तो अब एक व्यस्त जिंदगी रहने लगी तो मुझे ये सोचने का मौका नहीं मिला कि अब कहीं आप अकेले हो या के, और फिर वाइफ का तो खैर सपोर्ट बेहिसाब रहा, क्योंकि अगर वाइफ चाहेगी तो आप एक लाइन भी नहीं लिख सकते अगर वो ना चाहे जी जी, तो उसने बड़ा ये यूनिवर्सल ट्रुथ आपने बिल्कुल बिल्कुल हाँ नहीं बिल्कुल उनके योगदान के बिना संभव नहीं है। तो वो उतना समय देती हैं मुझे कि मैं लिख पाऊँ, सोच पाऊँ, पढ़ पाऊँ, और उस मामले में बड़ा अच्छा वो रहा कि मैं लिख पाया, और उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया लिखने के बाद, जो पहला सुनने वाला व्यक्ति चाहिए आपको, भले ही आप कितना भी बेकार लिख रहे हो, तो जो पहला सुनने वाला व्यक्ति चाहिए वो भी वो बनी, वो भी वाइफ बनी। फैमिली की सपोर्ट बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने अपनी कविता में उन्हीं के नाम पर समर्पित कर दी 2 लाइनें। मैं आपको बताता हूँ कि जब जब भी मैं अपनी जिंदगी की किताब में अपने दिल का कलाम लिखता हूँ, जब जब भी मैं अपने दिल की किताब में, जिंदगी की किताब में दिल का कलाम लिखता हूँ, लिख देता हूँ तुम्हारा नाम और फिर तुमको सलाम लिखता हूँ। वाह क्या बात है। तो पूरी जिंदगी उन्हीं के नाम पे है, तो ये सही है, और हम दुआ करेंगे कि आप हमेशा ऐसी खुशगवर्रम रहें, पूरा परिवार आपका। तो इसमें एक और जो चीज़ हमारे सामने आती है वो ये आती है कि आपने अपनी तन्हाई ख़त्म करने के लिए, अपनी सोशल लाइफ जो आप मिस करते थे उसके लिए आपने लिखना शुरू किया, और वो एक बहुत बड़ा जरिया बन गया आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में। बिल्कुल। तो ब्लॉगिंग जो है, वैसे भी आजकल जब हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं तो उसमें इसकी बड़ी अहमियत है। ब्लॉगिंग से होता है कि आपको जो है आप
आपको करियर में बड़ी सपोर्ट मिलती है, हेल्प मिलती है, उससे दुनिया को पता चलता है कि आपकी सोच क्या है और आपकी क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है, जिस तरह हम पर्सनल ब्रांडिंग में जब बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग जो मेरे ख्याल में हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और वो इस वक्त नए हैं या अगर स्टिल दे आर वर्किंग ऑन देयर पर्सनल ब्रांडिंग, तो ये एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग टूल है जो कि आपको आगे लेके जा सकता है। आपसे एक सवाल मैं कहना चाहता हूँ, जो लिखने का आपको जो एक मतलब इतना अच्छा लिखते हैं आप, तो ये आप पहले से लिखते थे वहीं से इंडिया से लिखते थे या अभी आपको यहाँ पर आके एक्सप्लोर किया आपने कि ये भी एक मेरी नहीं, जो असल में अगर आप कहें कि प्रोफेशनली लिखना तभी भी नहीं कह सकते उसको, मतलब रेगुलरली लिखना जो शुरू किया वो निश्चित तौर पर कनाडा के शुरू किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो एक जो गॉड गिफ्ट थोड़ा सा रहता है वो मुझे में शायद बचपन से रहा होगा, क्योंकि जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था तो मुझे हरिशंकर परसाई जी जो बहुत बड़े व्यंगकार हुए हैं उनके हाथ से मुझे पुरस्कार मिला था व्यंग लिखने के लिए क्लास 6 में। तब मुझे मालूम भी नहीं था व्यंग क्या होता है, लेकिन मैंने कुछ अपने मास्टर साहब के बारे में ऐसी चीज़ें लिखी थी उनका नाम ना देते हुए किसी और को संबोधित करते हुए, तो परसाई ने कहा कि ये ही व्यंग होता है असल में, और उन्होंने सम्मान किया उस समय। उसके बाद एक आध किताबों में कुछ ऐसी छोटी मोटी कहानियाँ छपी, बाकी तो जो कॉलेज के लोगों की आदत होती है अपनी कॉपी के पीछे चार शेड लिखने की, तो हाँ उस जमाने में चिट्ठियाँ भी बड़ी अच्छी लिखा करता था तो दोस्तों के बड़ा काम आता था इस चक्कर में। और नहीं खैर सोशल सर्किल इतना बड़ा था कि वो प्राइज अपने आप होती रहती थी हर वक्त जी, तो बस वही लिखने का सीमित वो था। फिर बाद में रेगुलरली लिखना शुरू किया, तब तो मेरी एक कविता की किताब आ चुकी है, एक मैंने उपन्यास हाँ बिखरे मोती नाम है उसका, और एक उपन्यास मैंने लिखा देख लूँ तो चलूँ वो भी, और दोनों हिंदी लैंग्वेज के हैं, दोनों हिंदी लैंग्वेज में बिल्कुल, और तीसरी किताब मेरी अभी आ रही साइड मिरर के नाम से। क्या बात है सर, तो ये साइड मिरर भी हिंदी में है या? हिंदी में ही है, सब हिंदी में ही लिखता हूँ पूरा, तो वो कहानी संग्रह है साइड मिरर, छोटी सी कहानी। साइड मिरर का क्या रेफरेंस है, क्या मतलब? उसमें साइड मिरर ऐसा है कि मैं एक कहानी है मेरी जिसका शीर्षक है साइड मिरर, वही फिर ऊपर किताब का भी मैंने शीर्षक कर दिया वो साइड मिरर, कार के साइड मिरर में देखते हुए मैं 401 पे चला रहा हूँ और पीछे की कार उसमें मुझे दिख रही है, तो मैं उसको कितना देखूँ कि मैं अपनी पिछली जिंदगी जो छूट गई उसको कितना देखूँ, और जो सामने दिख रहा है इतना बड़ा शीशा उसको देख के मैं गाड़ी ठीक से चलाऊँ उसका बैलेंस है वो। क्या बात है, तो क्या बात है, उस पे वो साइड मिरर कहानी मैंने लिखी। इट्स ब्यूटीफुल, जी जी। तो हम ये बात करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो आप पिछली जिंदगी है उस पे फोकस करने के बजाय आगे की तरफ देखने, पीछे की जिंदगी सिर्फ गाइडिंग लाइट होना चाहिए आपके, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए देखना जरूरी है, हाँ, जरूरी है वो कि आपने क्या गलतियां की थी, क्या गलतियां उसको कैसे सुधारा जा सकता है, और उनमें से कुछ मीठी यादें रहती है जिसको हमेशा याद करके आप खुश हो सकते हैं। दुखी होने का कोई रीजन नहीं है जिंदगी में, जब भी आपको कभी दुख आएगा, गम आएगा, कुछ कठिन संकट का समय आएगा, हमेशा ख्याल रखिएगा एक ऑप्शन उसमें खुश होने का भी होगा, खुश होने का भी होता है, चाहे कोई सी भी चीज़ आप देख लें। और व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, एक मिनट, अब मेरी मदर की डेथ हुई, निश्चित तौर पे ये तो नहीं कहा सकते खुश हो लो, नहीं नहीं उस पर नहीं, है ना, तो गम होता है लेकिन अब वो वापस नहीं आ सकती, ये भी आपको तुरंत तय करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो अब उसको आप ये कह दें कि वो मर गई हैं और आप दुखी होते रहें, और ये कहें कि उनको मुक्ति मिल गई और आप खुश हो लें उससे, तो बस वो थोड़ी देर गम मनाने के बाद में आपको उनको जाने देना होगा और फिर से आपको जिंदगी जीना, आप तो नहीं खत्म कर सकते बिल्कुल, तो उसको ये मान के चले उनको कितनी चीजों से मुक्ति मिल गई, एकाएक रोज सुबह उठ के दवाई खाती थी, ये करती थी, मुश्किलों से, तकलीफों से। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है खुश होने का, कोशिश करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो सकें जिंदगी जी लें, एक छोटी जिंदगी। नहीं, मुझे बिल्कुल, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि ऑप्टिमिज्म जो है वो अगर ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाए, होप जो है आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए तो बड़े मसला हो जाता है। तो अब जो है अगर हम ये करें कि अब आपका और इस वक्त अब आपका नेक्स्ट जो है वो क्या सिलसिला है, क्या कर रहे हैं आजकल और अब आप किस तरफ जा रहे हैं? जी, एक सिलसिला ये था कि मुझे एक बीच में मेरी पत्नी गई हुई थी इंडिया, तो बाहर का खाना मुझे खाना पसंद बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अब जब वो पत्नी इंडिया गई थी एक महीने के लिए, तो मैंने क्या करें क्या, तो फिर मैंने बनाना खाना सीखा, और जब मैंने खाना बनाना सीखा तो मुझे पता चला कि बड़ा अच्छा खाना बनाता हूँ, अभी पत्नी ने ही मुझे आके बताया बाद में कि बड़ा अच्छा खाना बनाता हूँ। ये कारण ये भी हो सकता है कि वो शायद फिर चाह रही हो कि मैं ही बनाता रहूँ, लेकिन फिर और लोगों ने भी खाया, उन्होंने कहा नहीं बहुत बढ़िया खाना बना रहा है। अच्छा, लेकिन सेकंड टाइम कि मैंने भी खाया हुआ जी, आपने खाना बहुत मजे का। तो फिर उस शौक को मैंने क्या किया कि एक
उस शौक को इस ढंग से कन्वर्ट किया कि मैंने अपना एक यूट्यूब का चैनल शुरू कर दिया उसका, और उसको मैंने नाम दिया UFOs किचन। तो आज उसमें 200 से ज़्यादा UFOs, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिस नाम से मैं लिखता हूँ उड़नदस्ते के नाम से जी। तो अब वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, नया चैनल है, 200 से ऊपर तो उसमें वीडियो हो चुके हैं ऑलरेडी और काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो आप जो ये रिकॉर्ड करते हैं घर पे करते हैं जी, उसमें भी मेरी पत्नी का बड़ा योगदान है क्योंकि वो रिकॉर्डिस्ट होती है। अच्छा। और मैं खाना बनाता हूँ जी जी, तो वो रिकॉर्डिंग करती है, फिर उसके बाद अब तो लोग तो जुड़े हैं इससे, तो फिर एडिटिंग वगैरह का थोड़ा समय जाया होता है उसमें भी, और एक एक वीडियो बनाने थोड़ा समय तो लग ही जाता है, लेकिन आप सीख लेते हैं। हाँ बस वही, तो धीरे धीरे वो शौक कमर्शलाइज होता है। सोशल मीडिया को बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल में ये बड़ा पॉजिटिव वे है सोशल मीडिया को यूज़ करने का। तो एक ये बताएं कि ये उड़न दस्ती और UFO इससे क्यों आया, मतलब क्या था कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया क्योंकि मैं देश से वापस जुड़ना चाहता था। ठीक है। मैं हिंदी मिस कर रहा था, मैं अपने हिंदी भाषी लोगों को जिनसे मैं हिंदी बातचीत किया करता था उनको मिस कर रहा था। अब इतनी दूर से बैठ के तुरंत किसी से कनेक्ट होना है तो एक ही तरीका है कि आपके उड़न दस्ती जैसा कोई यहाँ। क्या बात है सर, कनाडा से इंडिया पहुँच जाए, वहाँ के सारे विचार, क्योंकि मुझे आज भी नहीं ख्याल आता कि कभी मैं रात में जब सोता हूँ तो मैंने कभी कनाडा का कोई सपना देखा हो। अच्छा। दिन भर तो हम कनाडा में होते हैं लेकिन जब हम सोते हैं तो हम वापस इंडिया पहुंच जाते हैं, अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। तो उस उन यादों को लेके आना, उन चीज़ों से जुड़ना, और आज मैं जब लिखता हूं तो मैं भी अभी भी कनाडा की समस्या को छोड़कर इंडिया की समस्याओं पर लिखता हूं, उसको कंपेयर करता हूं कनाडा से भले ही, लेकिन लिखता इंडिया की समस्याओं पर। तो जो कहा हुआ था कि एक भारतीय को तो आप भारत से निकाल लेंगे लेकिन उसके दिल से भारत नहीं निकाल सकते आप। लेकिन आपके दिल से जो है हम कनाडा को भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप जो है पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं जी जी, और लोकल पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को। तो यूँ हुआ कि इंडिया में तो मैं पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव था, और इवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह की पॉलिटिक्स में भी था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, बाद में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी आ गया था। लेकिन जब से कनाडा आया तो इन सब चीज़ों में व्यस्त था, नौकरी और फिर अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लिखने उखने में बिजी हो गए, तो कभी उस तरफ सोच नहीं पाया। लेकिन फिर एक है कि मुझे रिसेंटली रियलाइज हुआ कि कनाडा ने इतना कुछ दिया है। अब जब बच्चे सेटल हो गए हैं, दोनों बेटे शादीशुदा हो गए हैं, तो अब हमारे पास समय है, तो व्हाई नॉट गिव बैक टू द सोसाइटी। तो जब इस बार चुनाव हो रहे थे तो मैंने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उसमें, ऑफकोर्स एज वॉलंटियर पार्टिसिपेट किया, फिर जो हमारा कैंडिडेट था उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अच्छा। तो हमने काफ़ी उनके साथ में प्रोग्राम्स वगैरह किए एंड फाइनली वो जीते और मिनिस्टर बने। अच्छा, क्या नाम? रॉड फिलिप्स। अच्छा, तो अभी एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं ओंटारियो गवर्नमेंट के। वो PC पार्टी से हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से जी जी। उसी दौरान मेरी डग फोर्ड से भी मुलाकात हुई, उनसे भी वो हमारे प्रीमियर हुए, उनके ब्रदर मुझे पहले से जानते थे जिनकी डेथ हो गई। तो उस चक्कर में फिर अब तो खैर हम लोग मैं काफ़ी एक्टिव हो गया हूँ पॉलिटिक्स में, और वाइफ ने भी फिर उसमें साथ दिया। तो चूँकि मैं जॉब में हूँ तो अभी सीधे चुनाव वगैरह तो नहीं लड़ सकता, तो मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि वो इस बार चुनाव लड़ेगी, तो वो अभी वो ट्रस्टी स्कूल बोर्ड का चुनाव लड़ रही है हमारी। ज़बरदस्त सर, आपकी वाइफ भी आपकी तरह इक्वली इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, देखो मैं उनको भी हमारे शो पे आना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं लेके बोलूँगा। बहुत बहुत बात है। तो सर इसमें हमारे शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर करने का शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो ऑडियंस है उनको बहुत कुछ यहाँ पर से सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ टेक अवे होगा। तो आप देखेंगे किस तरह से अगर आप जो है वो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और आज जो है आप हर काम कर सकते हैं और हर सही काम कर सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है, और दूसरी बात यह है कि आपको ये अपने आप को यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और साथ में ये कि अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को लर्न करने की कोशिश करें। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है इसका बेसिक मकसद भी यही है कि आपको शेयर किया जाए कि किस तरह से नई चीज़ें सीखी जा सकती हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को, अपने करियर को इम्प्रूव किया जा सकता है। और इसमें एक और बात भी बड़ी खुल के सामने आती है, वो ये है कि जब आप कनाडा में आते हैं या आप किसी भी नए मुल्क में जाते हैं तो उस वक्त सिर्फ आप अकेले जो है वो लोन वुल्फ नहीं होते या लोन वॉरियर नहीं होते हैं, बल्कि आपका पूरा परिवार, आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा ख़ानदान आपके साथ होता है, और साथ में मिलके ही आप बहुत आगे जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। हमारे शो को इस तरह ही देखते रहिए, हमें फीडबैक से आगाह करते रहिए, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर। मैं हूं जहांगीर खान, स्क्वाश कोर्ट का चैंपियन, लेकिन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का चैंपियन मोहम्मद कामरान हुसैन, मुझे उन पर यकीन है, आप भी करके देखिए। जहांगीर खान और हजारों क्लाइंट्स का चहेता मोहम्मद कामरान हुसैन, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट्स दोनों के लिए ही सही मशवरा, सही फैसला।
मकान जिसे आप अपना घर कहने में फख्र महसूस करेंगे। मोहम्मद कामरान हुसैन 416-318-5264। चॉकलेट चिप कुकी अली, सिर्फ कुकी दूंगा, चॉकलेट चिप नहीं दूंगा। इसमें तो बहुत सारे चॉकलेट चिप हैं। एक सेकंड देता हूँ, अभी भी बहुत है। अब अली बेचारा क्या करे, जब नए बिस्कॉली चॉकलेट चिप कुकी में है बहुत ज्यादा चॉकलेट चिप्स, ऊपर भी चॉकलेट अंदर भी चॉकलेट। बिस्कॉली चॉकलेट चिप कुकीज, बहुत बहुत चॉकलेटी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्परका ट्रेवल को खुदा के बाद आपने बनाया आज का नंबर वन उम्रा एजेंट इन कनाडा। उम्रा की बेहतरीन सर्विसेज ताकि आप मुकम्मल इत्मीनान के साथ तमाम मनासिक अदा कर सके। अस्सलाम वालेकुम, इफ यू आर प्लानिंग टू परफॉर्म उम्रा और यू वांट टू विजिट योर बैक होम टू सी योर लव्ड वंस, प्लीज कॉल अल्परका ट्रेवल्स। अल्परका ट्रेवल अपने निहायत मुनासिब यानी मोस्ट अफोर्डेबल उम्रा पैकेजेस के साथ अभी कॉल करें एट 905-232-6566। An exclusive multi-designer studio specialized in wedding planning services, bridal wear, casual party wear, jewelry, shoes, purses, dupattas, men's and kids' clothes. You name it, we have it. Some of the packages.